हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के बना रहा हूँ। पाइथन में नंपाई की बात कर रहे थे, तो नंपाई को कैसे यूज करना है पाइथन में, मैं आपको एक आउटलाइन डायग्राम बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप पाइथन का जो भी आप मैंने विजुअल स्टूडियो यूज किया है तो उसमें आपको नंपाई जो है डाउनलोड करना होगा, ये इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है जिसकी वजह से आपका कोड जो है नंपाई वाला वो आ जाएगा, वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे टाइप करना है pip, 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 pip टाइप कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ pip, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। इंस्टॉल numpy, बस इतना आपको करना है, एंटर प्रेस कर देना है, तो इसमें जो है ये इंस्टॉल कर लेगा, हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये जो है दिखा रहा है यू आर यूजिंग pip वर्जन 21.2.4, ये मेरे में पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। अब ये कह रहा है अपग्रेड करने के लिए, तो फिलहाल मुझे अपग्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपके में नहीं इंस्टॉल है तो यही तरीका आजमाइएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ध्यान रहेगा, इंटरनेट से कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। तो numpy को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद ही आप यूज कर पाएंगे, पहली बात तो ये जान लीजिए। अगर इंस्टॉल कर दिया तो यूज कैसे करना वो तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर इंस्टॉल कर दिया है तो यूज करने के लिए सबसे पहला काम देखिए, इम्पोर्ट हमें कराना होगा। तो यहाँ पर जाकर के जहां भी आप कोड लिखेंगे तो वहां पर जाकर के सबसे पहले तो आप इंपोर्ट लिख दीजिए, कुछ इस तरीके से आपको इंपोर्ट लिख देना है, ठीक है। इंपोर्ट करवाएंगे हम numpy को, क्योंकि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके होंगे तो हमें इंपोर्ट इस तरीके से लिख देना होगा। तो numpy आपको इसी तरीके से लिख देना होगा, ठीक है। जहां भी जाएंगे, लाइक मैं विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ तो मुझे वहां जाकर के यही टाइप करना होगा, ठीक है। numpy को इंपोर्ट कराने के बाद यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज कुछ इस तरीके से, आप भी इसी तरीके से लिख दीजिएगा। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आप भी ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो numpy np कर देते हैं यहाँ पे। तो इतना कर लेने के बाद आगे आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आपको, चूंकि हम numpy एरे यूज करेंगे एरे, तो एरे के लिए मैं क्या करता हूँ ar कर देता हूँ, ar या arr कर सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। तो arr कर दिया और इज इक्वल टू, अब चूंकि np यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे np इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको लिख देना है np, ठीक है। और np डॉट करके, चूंकि हम बना रहे हैं एरे तो यहाँ पर आपको एरे देना होगा array, तो इस तरीके से आप एरे दे दीजिएगा, ठीक है। एरे जैसे ही आप देंगे तो अब आपको आगे बताऊँ इस तरीके से, पहले ये स्मॉल ब्रैकेट फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है आपको, कर्ली ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप यहाँ पे एंटर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, हो गया numpy आपका बन गया है पहला प्रोग्राम numpy का। तो इस तरीके से आप numpy बना सकते हैं। अब इसको प्रिंट भी तो करवाना होगा, सिर्फ ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा प्रिंट print, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पाइथन में हम केवल और केवल प्रिंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा सिंपली प्रिंट, और प्रिंट बनाया था ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे arr करके हमने बनाया है, ठीक है। तो आपको arr लिखना है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में वो स्थान बताइए जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे अगर आप जीरो लिखते हैं, यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो 1 प्रिंट होगा, 1 लिखेंगे तो 2 प्रिंट होगा, 2 लिखेंगे तो 3 प्रिंट होगा, 4 लिख देते हैं, 4 सिंपली हम 4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से करिए, ठीक है। अब इंडेक्सिंग यहाँ 0 से स्टार्ट होगी, 0 है ये 1 है ये 2 है ये 3 है, ठीक है। 4 में तो कुछ है ही नहीं, तो 4 में तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, 4 नहीं देना 3 देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए, यहाँ पे 3 दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 लिख दिया। अब यही कोड हमको विजुअल स्टूडियो पे लिखना है, ठीक है, सिंपल यही कोड हमें विजुअल स्टूडियो पे लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं कोड, और ये भाई एरे बना रहे हैं हम, एरे, ठीक है। तो एरे कर दिया और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर आप जो चाहे दे सकते हैं, लाइक 2 दे दिया हमने, 77 दे दिया, 88 दे दिया, यहाँ पे 99 दे दिया, अधिक भी दे सकते हैं, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, ठीक है। एक्सेस कैसे करना है वो आपको समझना होगा थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसी को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाना है तो कहाँ से जाकर प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिख दिया। अब ये जो हमने आपको बताया था वो तो आप देख ही रहे कोड, इस तरीके से हमने ये कोड चलाया था, ये कोड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हमने ऐड कर दिए, जैसे 1, 2, 3, 4 था तो हमने कुछ और ऐड कर दिया है इससे हट करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर 277 इस तरीके से ऐड किया हमने, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे arr लिखना है, क्योंकि यही हमने वेरिएबल बनाया था, और यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे किसको, 3 को एक्सेस कर लेते हैं, 3 को, ठीक
ठीक है, 3 को एक्सेस करेंगे और 3 को एक्सेस इस तरीके से लिख करके कोड, और आपको क्या करना है सिंपली यहां स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वो नंबर दिखाई पड़ेगा जो उस स्थान पे होगा यानी 3 वाले पे होगा। तो इसको एक्सेस करने के कैसे एक्सेस किया पाइथन में जो भी आपका होगा वो कैसे एक्सेस करेगा, तो देखिए ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, यानी 99 3 पे है। अगर हम यहां 4 लिख देते हैं, देखिए यहां पे अगर मैं 4 लिख देता हूं तो क्या होगा, जैसे मैं 4 लिखूंगा और इसको रन करवाऊंगा, अब हम क्या करते हैं यहां से इसको दोबारा रन करवाते हैं, इस बार 4 लिखा हुआ है तो 4 पे क्या आएगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस बार 44 आएगा, 44। ठीक है, तो क्लिक कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर में। तो यहां पे देख सकते हैं 44 ही प्रिंट होकर आया है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि बात आपके समझ में आई होगी कि कैसे इसको एक्सेस करता है पाइथन जो है, कैसे इसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।